नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिदाई थाना क्षेत्र में सरफुद्दीनपुर स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने थोड़ा बगल में एक बड़ा पेड़ बीच मार्ग पर ही गिर गया। ये रोड आजमगढ़ से वाराणसी प्रयागराज समेत अन्य जनपदों को जोड़ती है, इसीलिए इस पर काफी व्यस्तता रहती है। शुक्रवार के दिन करीब 2 बजे अचानक पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने दूसरी पटरी पर सिंचाई विभाग के एक परिसर की बाउंड्री के पीछे लगा पेड़ सीधे सड़क पर आ गिरा। हालांकि पेड़ गिरने के दौरान रोड पर जा रहे वाहन चालकों ने देख लिया, इसलिए रोड पर चल रही गाड़ी आगे पीछे रुक गई, लेकिन एक कार पेड़ के नीचे खड़ी थी इसलिए वो दब गई। बताया जा रहा है कि कार मालिक यहीं पर गाड़ी खड़ी कर पास में ही टीवीएस एजेंसी में गया था। जैसे ही गाड़ी से निकलकर एजेंसी तक पहुंचा होगा, हादसा हो गया। वहां से गाड़ी हटाने का मौका भी नहीं मिला। इस दौरान अफरा तफरी का भी कुछ देर तक माहौल रहा। हालांकि लोगों ने बाल बाल बचने पर सभी ने राहत की सांस ली। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, सभी वाहनों को दूसरी लेन में निकाला जा रहा था। पेड़ गिरल है, पेड़ हवा हवा ना चलत रह गया, उसी तरह से अपने आप गिर गया। अपने से? हाँ। कोनो नुकसान नुकसान भेल? नुकसान ये गाड़ी भेल है और कुछ भेल ना। नुकसान जितनी गाड़ी आवत रही आगे पाछे सब रुक गई है, ये केवल गाड़ी गिर गई। यही गाड़ी एक ड्राइवर खड़ा के टीवीएस एजेंसी में गए थे, उसी समय जो वो अपनी एजेंसी में पहुंचे उसी समय गिर गया थे। कोई इसमें था नहीं ना? नहीं, कुछ कोई नहीं था इसमें। कब गिरा है? एक करीब आधा घंटा पहले। किसी को चोट नहीं आई? किसी को चोट नहीं आई। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।